क्या आपने कभी ब्लैक मिलर्स बंदर को देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही रिपोर्ट जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। ये नज़ारा है वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास का, जहां आपको इसी प्रकार चारों तरफ हर गली में बंदर ही बंदर देखेंगे। ये छुपे बैठे बंदर दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने आए लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। देखा आपने किस प्रकार ये बंदर लोगों का चश्मा छीन लेते हैं और फिर ये चश्मा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर शुरू होती है इनकी ब्लैकमेलिंग। ये बंदर बिना फ्रूटी के चश्मा नहीं देते हैं। देखें ये बंदर एक हाथ देने और एक हाथ लेने की कहावत को सही सिद्ध करते हैं। ये बंदर फ्रूटी के काफ़ी शौकीन हैं और कई बार तो यह फ्रूटी लेने के बाद भी लोगों का चश्मा वापस नहीं करते हैं और चश्मे को चबाते रहते हैं। फिर ये 5 से 6 फ्रूटी तक लोगों से ले लेते हैं। चीज छीन लेते हैं, चश्मा, पर्स, मोबाइल सब कुछ ले जाते हैं। यहाँ पर बंदर इतने ज्यादा हैं और जो कि स्पेशली चश्मे के लिए पता नहीं क्यों इतने बेताब रहते हैं कि मेरी बिटिया चश्मे लगाए हुए थी। एक बंदर आया, उसके कंधे पर बैठा, उसके बाल पकड़ के बड़े प्यार से चश्मा उतार के ले गया और वहाँ के लोगों ने बोला कि उसको फ्रूटी दो, तो मैंने 1-2 फ्रूटी दी लेकिन माना नहीं। 5-6 फ्रूटी देने के बाद ही उसने उसका चश्मा लौटाया। बंदरों का आतंक है तो आप यहाँ से बड़े देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं। इनका जो चश्मे का सबसे ज़्यादा है, जहाँ चश्मा दिखा वहाँ इन्होंने चश्मा छुड़ाया और एक हाथ से फ्रूटी देते हैं, दूसरे हाथ से चश्मा देते हैं। इनको एक तरह की ऐसी प्रवृत्ति करते हैं कि जैसे इंसान आदमी से पैसा लेता है, इस हाथ से सामान लेता है, एक हाथ से पैसा लेता है, इस तरीके से फ्रूटी और चश्मे का तुल भाव करते हैं। इनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि इंसान है कि बंदर है। बंदरों का इतना आतंक है वृंदावन में, देखा जाए नगर आयुक्त ने भी काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं और नगर पालिका और रही भी थी, नगर पालिका ने अभियान भी चलाया कि बंदरों को पकड़ो, नसबंदी का भी काम चालू किया था, मगर कोई सरकार अभी तक यहाँ नहीं हो पाई। सरकार ने, योगी सरकार आई, बड़े बड़े वादे किए, केंद्र में भी सरकार आई, बड़े वृंदावन धार्मिक स्थल है बंदरों के लिए, कुछ रोकने के लिए। दूसरा, यहाँ बैग जो पर्स लगा हुआ है, बंदर एक इस तरीके से बैठे रहते हैं दबके, जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक चीज़ फायर करने वाला कोई पाकिस्तान का आतंकवादी बैठा हो, तो जैसे ही अटैक करेंगे तो एक हाथ से पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से चाटा मार के छुड़ा के ले जाते हैं, फिर मांगते हैं फ्रूटी। तो ऐसा कोई नगर आयुक्त तो नगर निगम हो चुका है तो कोई अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काफ़ी शिकायत की है, काफ़ी ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है, काफ़ी लोगों को ज्ञापन भी दिया है, मगर ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। देखा आपने ये बंदर लोगों को किस प्रकार ब्लैकमेल कर रहे थे? तो अगर आप भी जा रहे हैं मथुरा या वृंदावन तो अपना सामान और चश्मा कृपया संभाल कर रखिए। समाचार वार्ता के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।